इसे कौन नहीं जानता, केसरिया रंग, भयानक आँखें, अद्भुत फुर्ती व रफ्तार और गजब की ताकत के साथ पूरी दुनिया में अपनी छवि बनाए हुए हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का सबसे खतरनाक मांसाहारी जीव, जो साल में लगभग 100 से ज्यादा इंसानों को मार देता है। इसके सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं खेतों में काम करने वाले किसान। यह कब उनके ऊपर हमला कर दे यह कोई नहीं जानता। दुनिया में जितनी टाइगर की पॉपुलेशन पाई जाती है उसमें अकेले बंगाल टाइगर का 50% हिस्सा है। भारत के लिए यह एक गर्व की बात है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब यह भारत में विलुप्त होने के कगार पर था। 2000 से भी कम बंगाल टाइगर पूरे भारत में बचे हुए थे, लेकिन इनके बचाने के लिए अनेकों प्रयास किए गए और आज पूरे भारत में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नगर अर्जुन। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ यह रिजर्व लगभग 5 शहरों के बराबर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,730 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, काजीरंगा आसाम, बंदीपुर कर्नाटका, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सबसे बड़ा केंद्र गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बना सुंदरबन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। केसरिया रंग होने के कारण ये झाड़ियों में छिपकर आराम से शिकार कर लेता है। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और 7.5 सेंटीमीटर लंबे दांतों से अपने शिकार को दबोच लेता है। ये अधिकतर छोटे जानवर जैसे चीतल, मुंतजाक, सांभर और जंगली सुअर का शिकार करता है, लेकिन कभी कभी नीलगाय, जंगली भैंस जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार भी कर लेता है। जितना अच्छा ये जमीन में शिकार करने में है उतना ही अच्छा पानी का तैराक भी है। बाकी बिल्लियों की तरह बाघ अधिकतर पानी में ही रहता है और इसे पानी बहुत पसंद है। पानी में ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है, जो कि इतने भारी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा है। भारत के जंगलों में अपना दबदबा इसी तरह बनाए रहे और प्रकृति का आशीर्वाद इसे मिलता रहे।